एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम करते हैं इफ डेमो। चलिए इफ डेमो, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें हम दो तीन प्रोग्राम करेंगे इफ से मिलते जुलते, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर दो नंबर लेते हैं और वो देखते हैं कि स्मॉलर देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन। ये डेमो प्रोग्राम अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ए वेरिएबल लिया हमने ए, इसको रीड कर लीजिए कीबोर्ड से। इंटर ए, ठीक है जी। बी इंट इंटर, ये दो वेरिएबल हमने कीबोर्ड से रीड कर लिए, ठीक है। इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो जस्ट अपन कह देंगे ए इज लेस देन बी, ठीक है। यहां एल्स प्रिंट ए इज नॉट लेस देन, ठीक है। ये सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन हम लेते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ए में सपोज 10 डाल दिया, बी में 20, ए इज नॉट लेस देन बी, ठीक है। फिर रन कीजिए 15 5 A is not less than B, कहीं गड़बड़, ठीक है, सही है। फिर रन कर लीजिए 5 25, A is less than B, ठीक है। तो ये हमारा इफ का डेमो हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक दो एग्जांपल और ले लीजिए, एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपन इवन ओड नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इवन और ओड नंबर, ठीक है जी। अब ये दो नंबर की जरूरत नहीं है, एक को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज टू, अगर किसी भी नंबर में अगर टू से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर जीरो आता है, उसका रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, तो आपका इवन नंबर है, ठीक है। और अदरवाइज आपका और होगा, ठीक है। ये ले, ये इवन और ओड का आपका डेमोंस्ट्रेशन है।
time, even number, फिर से रन कीजिए, third odd number, ठीक है? तो इस तरह से आप ये if का demonstration देख सकते हैं, है ना? I hope कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इससे मिलते जुलते और भी प्रोग्राम आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है? मैं ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको जुपिटर के ऊपर ऑलरेडी रन करवा के दिखवाए हैं, ठीक है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि स्मार्टफोन पे हमें नहीं बताते, तो उसको दूर करने के लिए फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया, ठीक है? तो इक्वली जितने प्रोग्राम में आमतौर पे आप लोगों को बताता हूँ वो स्मार्टफोन और इस पे जुपिटर और IDLE तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले मैं टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।